हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम नेहा सिन्हा एंड यू आर वाचिंग माय चैनल नोमैड नेहा। और आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मैं पहुँच गई हूँ अपने फेवरेट प्लेस पे, जो कि है लोटस रिजॉर्ट। और ये जब आप पूरी से कोणार्क जाते हो तो कोणार्क से हार्डली 6 या 7 किलोमीटर पहले पड़ता है और ये बहुत ही ब्यूटीफुल रिजॉर्ट है। सो दैट्स द एंट्री ऑफ दिस प्लेस। लुक एट दिस ग्रीनरी अराउंड दिस प्लेस। और यहाँ पे जैसे आप अंदर एंटर करोगे ना, तो आप अपने आप को नेचर से बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पाओगे, क्योंकि ये पूरा जो अंदर में जो बनाया गया ना, वो चारों तरफ आप जहाँ भी देखोगे सिर्फ आपको ग्रीनरी ही ग्रीनरी दिखाई देगा। और जो भी नेचर लवर है, आई एम श्योर उनको ये प्लेस डेफिनेटली पसंद आने वाला है। तो हम लोग चलते हैं अब अंदर और देखते हैं क्या है नज़ारा इस रिजॉर्ट का। इट्स वन ऑफ माई फेवरेट प्लेस और मैं यहाँ अक्सर आया करती हूँ। और यहाँ पे विजिट करने का जो बेस्ट टाइम है वो नवंबर मिड वीक से जनवरी एंड है, एज आफ्टर दैट वेदर विल बी हॉट। तो अगर आप यहाँ विजिट करना चाहते हो तो मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि आप नवंबर से जैन के मिड में आओ। फर्स्ट थिंग, यहाँ की एम्बियंस है, इन्वायरमेंट बहुत ही ब्यूटीफुल एंड सीरीन है, बहुत ही नेचुरल है, विच आई फील कि एटलीस्ट एक बार तो यहाँ पे आपको आना ही चाहिए। मुझे पता है कैसा फील हो रहा है कि मैं कोई जंगल में आ गई हूँ, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा अंदर आकर कभी एक्सप्लोर नहीं की थी। फाइनली अच्छे से हर एक का यहाँ का जो पार्ट है ना, उसको अच्छे से मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ और आपको शो कर रही हूँ। और यहाँ पे हेयर यू कैन सी, यहाँ पे बच्चों के लिए ये तो चल ही नहीं रहा। जब आप यहाँ आओगे ना, तो आई एम श्योर आपको ये प्लेस बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है, क्योंकि इट्स सो पीसफुल, सो काम एंड क्वाइट। और यहाँ का इन्वायरमेंट जो है बहुत ही ज़्यादा इको फ्रेंडली है। और आप बहुत ज़्यादा अपने आप को, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, कि नेचर से बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पाओगे, क्योंकि चारों तरफ सिर्फ आपको, जैसा कि मैंने आपको दिखाया है, कि सभी तरफ ग्रीन ही ग्रीन दिखाई देती है। आई एम श्योर यू कैन इन्जॉय द नेचर, यू कैन enjoy the beauty of this place। सारी facilities यहाँ पर provide करते हैं, like water sports की facilities है, इनका restaurant है और bar की facilities है, fitness gym है, बच्चों के लिए children park की facilities available है। इनका खुद का private beach है जहाँ पर आप अपना quality time spend कर सकते हो family के साथ, friend के साथ get together कर सकते हो। और अभी जो हमारे life में COVID-19 में जो pandemic situation जो हो रखी है ना, तो लोग कहीं ना कहीं एक अपने लाइफ में स्टक हो चुके हैं और डेली एक ही लाइफ रूटीन को फॉलो करते हैं। तो अभी बहुत ज़्यादा नीड है कि हमें कहीं अच्छे प्लेसेस को विज़िट करके अपना माइंड को फ्रेश करने की। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी ये प्लेस आप डेफिनेटली आ सकते हो। जब भी अगर आप पूरी का प्लान करते हो तो ये कोणार्क से हार्डली 7 या 8 किलोमीटर पहले पड़ता है, तो आप यहाँ भी स्टे कर सकते हो कॉटेजेस में। थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ेगा, बट ये डेफिनेटली ये वर्थ इट होगा, क्योंकि बहुत सारे फैसिलिटीज़ है। और हाँ, प्लीज़ आप लोग मेरा वीडियोस तो देखते हो, बट प्लीज़ लाइक किया करो यार, शेयर किया करो यार, मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ अपने वीडियोस के लिए। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप इसको शेयर करो, लाइक करो, क्योंकि मुझे अभी बूस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब तक आपका प्यार और सपोर्ट नहीं मिलेगा, मैं आगे नहीं जा पाऊँगी। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल।
और मुझे लग गई है जोरों से भूख, तो मैंने अभी जस्ट ऑर्डर करा है और जैसे ही आता है उसके बाद मैं बताती हूँ यहाँ के खाने का टेस्ट कैसा है, वर्थ इट है या नहीं यहाँ का खाना, वो मैं आपको टेस्ट करने के बाद बताती हूँ। यहाँ से जो आपको व्यू मिलता है वो व्यू है कुशाभद्रा नदी और समुद्र यहाँ पे कनेक्ट होते हैं और वही व्यू यहाँ से आपको बैठकर मिलेगा, तो आप खाना खाने के साथ साथ ये व्यू भी इंजॉय कर सकते हो। अगर आप मेरा पहला वीडियो देखे होगे, इससे पहले आप वीडियो कोणार्क सीरीज़ का वीडियो अगर आपने देखा होगा, तो मैंने वो व्यू दिखाया, वो पॉइंट दिखाया जहाँ पे कुशाभद्रा नदी और समुद्र कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से और नज़ारा बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है। मैंने यहाँ पे ऑर्डर करा है वेज फ्राइड राइस, उसके साथ मैंने चिकन जो कि यहाँ लोटस का स्पेशल चिकन है इन लोटस स्टाइल, मुझे खाना था बटर नान, बटर नान अभी अवेलेबल नहीं था, उसके भी आप में मैंने लच्छा पराठा मंगाया और साथ में मैंने एक स्टार्टर भी मंगाया ड्रम्स ऑफ हेवन। तो मैं टेस्ट करके बताती हूँ कि कैसा है टेस्ट। टेस्ट अच्छा है बट जो लच्छा पराठा है बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, मैं ज़्यादा लच्छा पराठा खाना प्रिफर नहीं करती हूँ बट अभी था नहीं इसलिए मैंने लच्छा पराठा ही ऑर्डर करा, बट ठीक है, ओके ओके है, खाने लायक है। और जो मैंने स्टार्टर मंगवाया है, स्टार्टर बहुत ही यम्मी है, बहुत अच्छा है। तो आप अगर यहाँ आते हो तो यहाँ का नॉनवेज जो स्टार्टर है ड्रम्स ऑफ हेवन या चिकन लॉलीपॉप वो आप ट्राई कर सकते हो, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी यम्मी है और स्पाइसी भी है। मैं जब भी रेस्टोरेंट जाती हूँ ना तो मैं हमेशा, मतलब कि अभी से नहीं, मैं जब से कॉलेज में थी मैं हमेशा से बिरयानी लवर हूँ और मैं हमेशा बिरयानी ही ऑर्डर किया करती हूँ। मैं यहाँ पे बहुत बार आई हूँ, यहाँ का बिरयानी मुझे कोई ख़ास पसंद नहीं है इसलिए मैंने बिरयानी नहीं ऑर्डर करा है, वेज फ्राई ऑर्डर करा है विथ चिकन, तो वो ये जो कॉम्बिनेशन है बहुत अच्छा है, तो आप यहाँ आकर ट्राई कर सकते हो, आपको भी आई एम श्योर पसंद आएगा। जब आप यहाँ आओगे ना तो यहाँ का लोटस का जो स्पेशल चिकन है इन लोटस स्टाइल वो आप डेफिनेटली ऑर्डर करना, सच में बहुत ज़्यादा यमी है, बहुत अच्छा है, मैंने भी फर्स्ट टाइम ही ऑर्डर करा है, टेस्ट काफ़ी अच्छा है, काफ़ी डिफरेंट है और जो चिकन जो कुक्ड हुआ है ना बहुत ही अच्छे से कुक्ड हुआ है। ये प्लेस वाकई काफ़ी अच्छी है और ये कपल के लिए भी बहुत अच्छा प्लेस है, तो आप आकर विज़िट कर सकते हो। और हाँ, अगर यहाँ पे आप चाहो तो प्री वेडिंग शूट भी करवा सकते हो, लोग काफ़ी दूर दूर से आते हैं यहाँ पे प्री वेडिंग शूट करने के लिए और बहुत ही अच्छा लोकेशन है प्री वेडिंग शूटिंग के लिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन हिट द लाइक बटन एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दिया करो, काफ़ी मैं मेहनत कर रही हूँ। सो आई होप यू लाइक माई वीडियो एंड विल कैच यू लेटर इन नेक्स्ट ब्लॉग। तो हमारी मुलाकात फिर से होगी एक नए दिन में एक नए वीडियो के साथ, टिल देन स्टे हैप्पी स्टे सेफ।